Hello and welcome to our online classes. In this lecture, we would be looking at the functioning of GST Council, its features, and a small brief example regarding how exports are taxed under GST. Fine. So we begin with GST Council. In the last class, we had seen that GST Council established under Article 279A of the Constitution. There are 33 members. How it makes up to this figure of 33, ये भी हमने देखा था. Central government के दो members, Finance Minister और Minister of State for Finance. 28 राज्य plus 3 UTs with legislature, that is Delhi, Pondicherry or Punducherry and Jammu and Kashmir. So altogether there are 33 members. We will dwell a bit more deeper in the functioning of GST Council. But before that, I will just like to give you a layman, ek aam aadmi ko GST Council hum kaise samjha sakte hain aur iska kya kaam hai. I will try to explain that. See, जब GST नहीं था उससे पहले हर राज्य किस वस्तु को किस दर से अपने अधिकार क्षेत्र के टैक्सेशन लेवी करेगा ये हर राज्य खुद डिफाइन करता था. जैसे ये एक राज्य के विवेक पर था, उसके डिस्क्रिशन पर था कि वो से पार्ले जी की बिक्री पर कितना सेल्स टैक्स लेवी करे. इसलिए क्वाइट पॉसिबल कि हर राज्य में पार्ले जी का प्राइस एक राज्य से दूसरे राज्य में वेरी कर सकता था, क्योंकि जो सेल्स टैक्स है वो हर राज्य अपने अनुसार लगाता था. लेकिन GST को लाने के पीछे कई कारणों में से एक कारण था कि हम चाह रहे थे कि पूरे भारत में एक पर्टिकुलर कमोडिटी, अगर एक ये पेन भी बिक रहा है तो इसका प्राइस पूरे भारत में सेम हो. इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी कि हर राज्य जो टैक्सेशन लेवी करे वो यूनिफॉर्म हो. फॉर दैट यू कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच स्टेट एंड इट्स बजट एंड इट्स फाइनेंस मिनिस्टर टू लेवी अ यूनिफॉर्म रेट, क्योंकि इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन आप कैसे करेंगे हर बजट में कि यूपी का बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट हो रहा है, एमपी का 28 मार्च को प्रेजेंट हो रहा है और हर राज्य से बोला जाए कि आप पेन पर सिर्फ 5% सेल्स टैक्स लेवी करिएगा. इट वॉज़ नॉट पॉसिबल अंडर फेडरल स्कीम विच वॉज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम. तो जब GST आता है तो उसके साथ फिर एक और मैकेनिज्म आता है, GST काउंसिल. उसमें ये बात तय होती है कि केंद्र सरकार मौजूद होगी और सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद होंगे, या फिर केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेशन होगा और सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होगा. और यहाँ पर मिल बैठ कर वोटिंग के माध्यम से हर वस्तु का GST रेट तय कर दिया जाएगा और ये सभी पर लागू होगा. तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ GST काउंसिल, कि राज्य और केंद्र मिले और किस वस्तु पर हर राज्य क्या टैक्सेशन का रेट लगाएगा, क्या GST का रेट लगाएगा, ये डिसाइड करा जा सके. So with this idea, GST Council was established under Article 279A. फिर बात आती है कि सहमति कैसे बने, how do we agree, कि हो सकता है कि आधे states बोल रहे हों कि हम से laptops पर 28% GST लगाएंगे, आधे states बोल रहे हों कि हम तो 12% ही लगाना चाहते हैं, या फिर कुछ स्टेट्स बोल रहे हों कि हम 12.5% लगाना चाहते हैं. तो टैक्सेशन का रेट क्या निकल कर आएगा, कोई 12.5 बोलेगा, कोई 12 बोलेगा, कोई 28 बोलेगा, तो फिर ये यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्सेशन नहीं रह जाएगा. तो फिर GST काउंसिल में निर्णय कैसे लिया जाता है, इट इज़ बाय वोटिंग. नाउ प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज कि वोटिंग मतलब मोर देन 50% जो चुनावों में यहाँ पर होता है. नो, GST काउंसिल में जो किसी भी रेजोल्यूशन को पास होने के लिए वोटिंग का प्रतिशत रखा गया है, दैट इज़ 75%. मतलब अगर 100 वोट पड़ रहे हैं GST काउंसिल में किसी रेजोल्यूशन के लिए, तो कम से कम 75 पीपल शुड बी इन एग्रीमेंट
तभी उस रेजोल्यूशन को पास माना जाएगा। 51 यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। अब जो वोटिंग का शेयर डिवाइड हुआ है केंद्र और राज्यों में, वो इस तरीके से है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट हैज़ बीन अलोकेटेड विथ 1/3 ऑफ द वोट्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में 33 वोट्स हैं या 1/3 ऑफ द वोट्स हैं, और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स मिलाकर इनके पास 2/3 ऑफ द वोट्स हैं। तो पूरा आंकड़ा आ जाता है 100 वोट्स, 1/3 ऑफ द वोट्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2/3 ऑफ द वोट्स विद स्टेट गवर्नमेंट, या फिर 33% वोट सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और बचे हुए 66.66% या 33.33% वोट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और 66.66% ऑफ द वोट्स सभी स्टेट्स के कंबाइंड होंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सी, किसी भी रेजोल्यूशन को पास होना है तो इट हैज़ टू हैव एटलीस्ट 75% ऑफ द वोट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन हैज़ 33% ऑफ द वोट। इफ़ देयर इज वन सच रेजोल्यूशन वेयर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड एंड नन ऑफ द स्टेट्स इज इंटरेस्टेड, तब एट मैक्स उसे कितने वोट मिलेंगे? 33%। तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। मान लीजिए ऐसा कोई रेजोल्यूशन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन सभी स्टेट्स इंटरेस्टेड हैं, सभी, तब कितने वोट मिलेंगे? 66.66% वोट्स, क्योंकि सभी स्टेट्स के मिला के इतने प्रतिशत वोट्स हैं। तब भी ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा क्योंकि रेजोल्यूशन पास होने के लिए 75% ऑफ द वोटिंग है। तो ये 75% ऑफ द वोटिंग मिनिमम थ्रेशहोल्ड रखने के पीछे का लॉजिक ये है कि कोई भी रेजोल्यूशन जिसमें सिर्फ सेंटर इंटरेस्टेड हो और कोई भी स्टेट इंटरेस्टेड ना हो, पास ना हो सके। या ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स इंटरेस्टेड हो और सेंटर इंटरेस्टेड ना हो, ये भी पास नहीं होना चाहिए, ताकि एक फेडरल बैलेंस बना रहे कि किसी भी रेजोल्यूशन को पास होने के लिए सेंटर और कुछ स्टेट्स तो शुड ऑलवेज बी इन एग्रीमेंट। इसीलिए इस तरीके का वोटिंग शेयर रखा गया है 33% और 66%, और इस तरीके का वोटिंग परसेंटेज रखा गया है 75%। हम यहाँ तक एक बार वी विल गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट वर्ड बाय वर्ड एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो GST काउंसिल, हमने इसे कल देखा, आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना है। चेयरमैन ऑफ द GST काउंसिल इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हु इज द वाइस चेयरमैन। इट इज ऑन रोटेशन बेसिस कि किसी भी एक राज्य का वित्त मंत्री रोटेशन बेसिस पे वाइस चेयरमैन GST काउंसिल का बनाया जाता है। तो टू बी चोजन अमंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। मेंबर्स कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जैसे चेयरमैन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ऐसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस वी हैव मिस्टर अनुराग ठाकुर, एंड ऑल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट्स और यूटीज विद लेजिस्लेचर, दे शुड बी और यूटीज विद लेजिस्लेचर। तो कुल मिलाकर यहाँ तक आंकड़ा आ जाता है 33 मेंबर्स। इसमें अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमण विल हैव 33% ऑफ द वोटिंग शेयर, एंड रेस्ट ऑल दी स्टेट्स देयर फाइनेंस मिनिस्टर्स यूटीज कंबाइंड दे विल हैव 66.66% ऑफ द वोटिंग शेयर। GST काउंसिल की मीटिंग के लिए कोरम की ज़रूरत है 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स। कोरम मींस कि जब तक इतने मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक मीटिंग नहीं हो सकती। सो कोरम का क्राइटेरिया है 50%, दैट इज़ कम से कम राउंड अबाउट 17 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन GST काउंसिल मीटिंग, अगर मीटिंग को होना है और कोई भी डिसीजन लिया जाना है तो। मतलब कुल मिलाकर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी राज्य आए ना और केंद्र अपने 2 मेंबर को बिठाकर मीटिंग ले लें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोरम पूरा नहीं हो पाएगा। वोटिंग शेयर की बात करते हैं तो स्टेट्स हैव 2/3 ऑफ द वेटेज, दैट इज 66.66% ऑफ द वोटिंग शेयर।
while center has 1/3 of the weightage, that is 33.33% of the voting share. Decision is to be taken by 75% of the majority. We have seen 3/4 of the members should agree. इसके बाद we'll discuss कि GST Council का काम क्या है. First of all, GST Council will make a recommendation कि कौन कौन से indirect taxes would be replaced by GST. जैसे GST Council का कहना था excise duty, service tax should be replaced with GST. That has been done. तो कौन से indirect taxes, इन पे लगने वाले सेस और सरचार्ज हटाकर सिर्फ GST levy हो, this is decided under GST Council by this voting, 75% of the voting. GST Council का एक और काम होगा कि किस तारीख से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दैट इज क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल, वुड बी पार्ट ऑफ GST. फिलहाल दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ GST, तो यहाँ पर GST Council का कुछ भी कहना नहीं बनता है. GST Council will decide कि इस तारीख से इन प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स या वैट ना लगकर GST लेवी होगा. तो दिस इज ऑल्सो द पावर असाइन टू GST Council. बट जस्ट रिमेंबर, GST Council हैज़ नो राइट टू डिसाइड कि किस तारीख से एल्कोहल एक्साइज ड्यूटी, एल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी ना लगकर GST लगेगा. क्यों? बिकॉज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एल्कोहल इज कम्प्लीटली अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. वहाँ पर GST Council डिसीजन नहीं ले सकता. ठीक, ऐसे ही GST Council विल ऑल्सो डिसाइड कि वॉट वुड बी द रेट्स फॉर GST. जैसे GST Council has decided कि current standard rates of GST will be 0%. ये 0% क्या है, I'll explain in a few minutes. 0%, 2.5%, 5%, 12%, 18% and 28%. एक और कोई slab अगर add करना हो तो GST Council जिस दिन चाहे निर्णय लेकर add या हटा सकता है. GST Council will also decide कि जो IGST सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इंटीग्रेटेड GST, उसका बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किस तरीके से होना है. फिलहाल ये 50-50 के तौर पे बंटवारा होता है, बट इट इज़ द पावर अंडर GST Council कि वो चाहें तो निर्णय ले सकते हैं इस प्रपोर्शन को वेरी करने के लिए. तो स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ GST क्या होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा IGST का, दिस इज डिसाइडेड बाय GST Council. या फिर अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है उससे निपटने के लिए, तो क्या कोई एक्स्ट्रा सेस लगाने की ज़रूरत है, दिस इज़ ऑल्सो डिसीजन टेकन बाय GST Council. जैसे एक एग्जाम्पल है कि केरला हैड सीन अ लॉट ऑफ फ्लड्स इन सम ईयर्स बैक, तो GST Council ने एक निर्णय लिया कि केरला के ट्रेड में एक स्पेशल कलेमिटी सेस लगाया जाएगा टू कलेक्ट स्पेशल फंड्स फ्रॉम GST, टू कलेक्ट स्पेशल फंड्स फॉर ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन केरला, और इससे पैसा एकत्रित फ्लड रिलीफ के लिए इस्तेमाल करा जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल इन जनवरी 2019 GST Council अलाउड केरला टू लेवी 1% of calamity cess on interstate trade to help flood victims. कोई भी व्यापारी को GST में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए नियम कायदे कानून क्या होंगे, मिनिमम उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, ऑल दीज डिसीजंस रिगार्डिंग GST रजिस्ट्रेशंस आर टेकन बाय GST Council. एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो GST Council जिसके प्रति निर्णय लेता है, दैट इज़ GST कंपनसेशन सेस. अब ये क्या है, सी सम स्टेट्स वर वेरी एप्रीहेंसिव, चिंता थी उन्हें GST आने से पहले कि अगर GST आता है तो हमारे कुछ टैक्सेशन के अधिकार चले जाएंगे, जैसे सेल्स टैक्स ख़त्म हो जाएगा दूसरी वस्तुओं पर एक्सेप्ट पेट्रोल डीजल, तो हमारे रेवेन्यू को लॉस हो सकता है, तो हम GST के दायरे में नहीं आना चाहते. टू एले दी फियर्स, इनके डर को कम करने के लिए केंद्र सरकार का कहना था कि 2015-16 को बेस ईयर मान के हम
आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे अगर जीएसटी आने के बाद आपके रेवेन्यूज़ में 2015-16 के मुकाबले गिरावट महसूस होती है, या फिर आपके रेवेन्यूज़ 14% की दर से कम बढ़ते हैं हर साल। मतलब मान लीजिए कि 2015-16 में एक राज्य का रेवेन्यू 100 रुपये था और 2016-17 में ये 99 रुपीज़ रह गया जीएसटी आने के बाद मान लीजिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन प्रोवाइड करने का एश्योरेंस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये जो 1 रुपये का शॉर्टफॉल है हम प्रोवाइड कर देंगे। या फिर मान लीजिए एक स्टेट 100 रुपये रेवेन्यू कमाता था और किसी साल 2017-18 में उसके रेवेन्यू मात्र 102 रुपये हुए हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा था कि आपके रेवेन्यूज़ अगर 14% पर ईयर से कम बढ़ते हैं तो हम आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड कंपनसेशन अगर किसी राज्य सरकार के रेवेन्यूज़ 2015-16 के मुकाबले 14% से कम रेट से बढ़ते हैं। तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कब तक करेगी? आने वाले 5 सालों तक। तो इस तरीके से राज्यों को कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनके रेवेन्यू में शॉर्टफॉल के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस विच इज़ लेवीड ऑन सम आइटम्स, जनरली लग्जरी आइटम्स या डीमेरिट आइटम्स। डीमेरिट आइटम्स मतलब जिनसे आम जनता को हानि होती है, जैसे टोबैको। तो डीमेरिट आइटम्स पर जीएसटी तो लगता ही लगता है हाईएस्ट रेट का, या लग्जरी आइटम्स पर जीएसटी हाईएस्ट रेट का लगता ही है 28%। इसके ऊपर भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर सकती है कि किस आइटम पर कितना जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी करा जाए, दैट इज़ टैक्स ऑन टैक्स, ताकि जो अगर राज्यों को रेवेन्यू में गिरावट महसूस हो तो इस जीएसटी कंपनसेशन सेस से पैसा निकाल कर फिर राज्यों को दिया जा सके। जैसे कुछ आइटम्स जिस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस, नॉर्मल जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लेवी होता है। कुछ आइटम्स जिस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी होता है, दीज आर से स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, जिनकी लेंथ, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स आर टैक्स्ड एज पर देयर लेंथ एंड इंजन कैपेसिटी। तो ऐसे स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल से क्रेटा जिसकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, उस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी देना होगा। मतलब 28% का जीएसटी और लगभग 22% का जीएसटी कंपनसेशन सेस, मतलब 50% उसकी कीमत का आप जीएसटी के तौर पे चुकाएंगे। और अगर किसी राज्य को के रेवेन्यू में 2015-16 के मुकाबले गिरावट महसूस होगी तो केंद्र सरकार ये जीएसटी कंपनसेशन सेस जो 22% का कलेक्ट करा है इसमें से पैसा निकाल कर उस राज्य को भरपाई के तौर पर देगी। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। कुछ प्रोमिनेंट आइटम्स जिसमें अब ये आगे स्लाइड्स में यू विल सी कुछ आइटम्स जिस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी होता है, लाइक एरेटेड ड्रिंक्स लाइक कोको कोला, पेप्सी, SUVs, लग्जरी कार्स, टोबैको, सिगरेट्स एक्सेट्रा। तो ये काम है जीएसटी काउंसिल का कि वो डिसाइड करती है किस आइटम पर कितना जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी करा जाएगा। ऐसे ही जीएसटी काउंसिल का एक और काम है कि सेटल्स द डिस्प्यूट इफ़ इट अराइजेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन स्टेट एंड स्टेट्स। सो दिस इज़ अबाउट जीएसटी काउंसिल। देर आर सम आइटम्स विच आर एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी, लाइक उन पर जीएसटी लगभग 0% लेवी होता है या वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। जैसे हियर आई हैव मेंशन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, बैंकिंग, आरबीआई सर्विसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल बिल्स एक्सेट्रा। हियर इज़ वन फाइन डिफरेंस कि एक होता है जीएसटी 0% पर लेवी होना और एक चीज़ होता है जीएसटी से एग्जेम्पशन होना या किसी चीज़ का जीएसटी के दायरे में आना ही नहीं। दोनों चीज़ें अलग हैं और यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये 0% जीएसटी लेवी करने का क्या मतलब, इससे अच्छा तो जीएसटी से बाहर ही रख दीजिए आप चीज़ों को। नहीं, देर इज़ वन पॉइंट
आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर दैट व्हाई एक्सपोर्ट्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी बट एक्सपोर्ट्स आर ज़ीरो रेटेड दैट इज़ उन पर 0% जीएसटी लगता है. सो विल सी दिस कंसेप्ट इन नेक्स्ट क्लास.